क्या समझे विंड से कंपेयर क्या है जो कौन से सुब्रमण्यम का कहां से लिया गया है ट्रांसलेट किया गया तमिल तमिल से है ना तमिल से ट्रांसलेट किया किसने पर ट्रांसलेट किया है एके रामानुजन है ना एके रामानुजन ने ये तमिल का पोएम था और रविंद्र ट्रांसलेट किया है जो किसने लिखा है पर सुब्रमण्यम है ठीक है और ये जो विंड का मतलब वैसे तो होता है हवा या पवन लेकिन यहां विंड का मतलब किससे कंपेयर कर रहे हैं को एक चैलेंज से और डिफिकल्ट चीज को साथ है ना ये अपना लाइफ में जो चैलेंजेस होता है उसको हम कैसे सामना करेंगे आपको कैसे चैलेंज है ना तो इसको कंपेयर किया किससे विंड से कंपेयर किया डिफिकल्ट चीज से कंपेयर किया अपना जीवन में अपना लाइफ में कभी भी चैलेंज आता है कभी भी डिफिकल्ट चीज आता है उस सर्कमस्टेंस से हम कैसे मतलब फेस करेंगे कैसे सामना करेंगे कैसे जीतेंगे जब अपने आप को तैयार नहीं रहोगे तैयार नहीं रहोगे तो जीत पाओगे चैलेंज से इसलिए अपने आप को तैयार करो हां अपने आप को तैयार करो सोचो ताकि तुम जीत सको उस चैलेंज से सामना कर सको और हवा जैसे आता है नहीं तो वैसे ही वो जो चले जाता है तुमको उड़ा के ले जाएगा सपोज एग्जाम है तुम्हारा और तैयार नहीं है स्ट्रांग नहीं है ना फिजिकली रूप से मेंटली रूप से तैयार नहीं है तो वो जो एग्जाम है आप ना तो लिख पाओगे ना तो कुछ कर पाओगे क्योंकि आप पहले से स्ट्रांग नहीं है रेडी नहीं है हां तो आप क्या हो जाएगा फिर वो जाओगे हवा की तरह जब हवा आती है तो अगर बिंदु क्या 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 कर देता है गिरा देता है जो वो बहुत उतला पतला आती है जो बहुत कमजोर है तेज हवा आती है तेज हवा मतलब चैलेंज आ जाता है हां इससे कंपेयर किया है मतलब जब हवा आती है गिरा देता है जैसे विंडर जब शूटर है ना यानी कि जो खिड़कियां में सुता से वो भी क्या है सुता देता है और कैजेस ऑफ जो फोर्स का कैजेस का जो मतलब वो भी फाड़ देता है जब हवा आती है तेज हवा आती है मतलब तेज हवा मतलब जब चैलेंज आती है तो वही चैलेंज आपको बर्बाद कर देता है सब तबाह कर देता है और जो स्ट्रांग है पहले से तैयार भी करके आए हैं वो तो पास हो जाएगा एग्जाम उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है और जो वीक है नहीं पढ़ा लिखा वही चैलेंज वही सर्कमस्टेंस से आप कैसे गुजरेंगे है ना इसी के बारे में ये पोएम है वीर जो को लिखा है वासु बंदी ठीक है जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है आज सब समझ में आया होगा आप क्वेश्चन लिख रहे हैं ठीक है और ये जो वार्ड लिखवा दिया है ये पोएम के अंदर तीन दिनों को मिलेगा ठीक है और व्हेन यू रीड दिस पोएम देन यू कैन अंडरस्टैंड एज इट इज है ना आसानी से समझ सकते हो इसीलिए सोचे आई हैव रिटन दिस वर्ड इन पॉइंट ओके पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन क्या है व्हाट आर द थीम्स ऑफ थिंग्स द वी डास इन द फर्स्ट स्टेंज यानी कि स्टेंज ऑफ पहला स्टेंज में क्या बोला है कि व्हाट आर द थिंग्स द वी इन डास इन द फर्स्ट ये जो वीड है पहला स्टेंज में क्या करता है क्या क्या करता है पहला स्टेंज में क्या होगा क्या व्हाट आर द विंडस को तोड़ देता है, सेजेस को फाड़ देता है, और
और इसके साथ साथ क्या आती है, बारिश भी आता है, है ना। ऐसा क्या हो जाएगा, क्या करना है, द विंड स्वीप्स द शटर ऑफ द विंडोज। ये जो हमारा ये जो पवन है खिड़की के सुतास को क्या करता है, तोड़ देता है, स्केटर द पेपर, पेपर को क्या करता है, छितरा देता है और थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ इन द फास्ट। यानी कि ये जो इतना सेल्फ में रखा हुआ चीज सामान है वो सब नीचे गिरा देता है पायरस से जाकर, ठीक है।